हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपकी दोस्त वैशाली आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ कांजी के बड़े की। तो हम इसमें ये 6 इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें से एक है राई, ये है हमारे पास सरसों, ये है हल्दी पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, और ये है हमारे पास नमक, और ये है हमारे पास थोड़ा सा काला नमक। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। ये हम लेंगे सरसों, अच्छे से डालेंगे, राई, ठीक है, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, सफेद नमक और हल्दी। ये हमारा मसाला पिस चुका है, तो मैं आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पिस गया है। ये देखिए, ये इसे दरदरा पीसना है, ना ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ज़्यादा मोटा पीसना है, हल्का हल्का दरदरा होना चाहिए। अब हम मसाले में दही डालकर फेंटेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। तो हम मसाला ले लेंगे और हम इसमें दही भी डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा दही लिया है, अब मैं इसे अच्छे से फेटूंगी। इस तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इस तरीके से इसे थोड़ा चला लेते हैं कि सारा मसाला अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसे एक कपड़े से बांध कर ढक के रख देंगे। अब मेरे पास ये चुन्नी अवेलेबल थी, तो मैं इसे इस्तेमाल करके इसे ढक के बांध दूंगी, और आप लोग भी इसे बांध सकते हैं जैसे बनना चाहें। देखिए, अब ये कांजी अच्छे से तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो वड़े बनाने के लिए अब हम भिगोई हुई दाल लेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में। ये देखिए, इस तरीके से इसे दरदरा पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के पीसेंगे, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। अब हम इसे निकालकर एक बर्तन में फेंट लेंगे और फिर एक कटोरी में पानी भरकर उसमें डालकर चेक करेंगे ये फ्लफी हुआ कि नहीं। अगर ये फ्लफी हो जाएगा तो ये इस तरीके से तैरेगा, अगर ये फ्लफी नहीं होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा और हमको इसे और फेंटना पड़ेगा। अब हम एक भगोने में पानी लेंगे और उसमें हम डालेंगे नमक, और इसी तरीके से अब हम इसमें डालेंगे हींग और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे तेल और उसे गरम करेंगे और इसमें डालेंगे वड़े और उन्हें करेंगे डीप फ्राई, और इसी तरीके से मैं सारे वड़े डाल दूंगी और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे।
अब हमारे गर्मा गर्म वड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डालेंगे हींग के पानी में और इनको थोड़ी देर हींग के पानी में ही पड़े रहने देंगे। और उसके बाद हम करेंगे ठंडी ठंडी कांजी के साथ इन्हें सर्व। ये देखिए हमारे कांजी के वड़े तैयार हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे करिए लाइक, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।